Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. सर ये चौथा साल कर रहे हैं हम लोग. आई एम द डायरेक्टर फॉर दिस अवार्ड सिंस लास्ट 9 ईयर्स और ये चौथा साल हम लोग कर रहे हैं. मैं और पूनम हम लोग मिलकर कर रहे हैं अवार्ड दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड. सर सर एक दादा साहब की जो हमारे पायनियर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनका नाम एक कायम रखने के लिए, उनको एक एकदम उरूज पे ले जाने के लिए, वही हमारा है कि पूरी इंडस्ट्री को मालूम पड़े कि जो इंडस्ट्री के पायनियर थे वही उनका कंटिन्यू नाम चलता रहे. और इसी यही हमारा मकसद है. सर उसका रीज़न क्या है कि ये दादा साहब फाल्के और भगत सिंह साहब जो लीजेंड हैं, चाहे वो अंबेडकर साहब हैं, चाहे दादा साहब फाल्के साहब हैं, चाहे वो किसी का भी बड़े इंसान का जन्मदिन है, वो इंसान का जन्मदिन कोई भी मना सकता है. सर हमारी इच्छा है हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने ढंग से मनाते हैं, और लोग जो मनाते हैं वो अपने ढंग से मनाते हैं. हर आदमी उनका जन्मदिन इसलिए मनाता है कि वो इंडस्ट्री के पायनियर है. दिस इज इंडस्ट्रीज अवार्ड बेसिकली. तो हर आदमी को हक है सर मनाने का, जैसे हम मना रहे हैं वैसे हर आदमी भी मनाता है. जी ऑन है नहीं, कैन यू पीपल हियर? या ऑन. ओके, बिकॉज़ आई थिंक माइक्स आर नॉट वर्किंग. नहीं वर्किंग. ओके, या प्लीज. शी इज माय पार्टनर. हां या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. यू आर हियर एंड इट्स एक्चुअली टू हॉट एंड एवरीबॉडी इज ऑन वन कॉल. या थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. And we are together since last 3 years and I'm really working hard to make this Dada Saab Phalke Award, Excellence Award to come up and make a name in the industry as per the film fair or as per any Stardust Award like that. Second thing, hum Dada Saab Phalke kyun karte hain aapne ye bataya. Of course hum Dada Saab Phalke na karke koi aur bhi award kar sakte hain, bahut kuch kar sakte hain kyunki hamari industry mein koi kami nahi hai awards ki, lekin kahin dil mein ek aata hai ki humne agar industry mein aaye hain तो अपनी इंडस्ट्री के लिए एक हम जो श्रद्धांजलि काइंड ऑफ बोलते हैं वो देने के लिए हमने दादा साहब का अवार्ड चुना है. लेकिन इसके बाद हम बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी करने जा रहे हैं जो लोगों के लिए, जिन्होंने समाज सेवा की है, जिन्होंने राजनीति में रह के सेवा की है, जिन्होंने रिच बिजनेसमैन होके पब्लिक की सेवा की है, तो उस तरह के अवार्ड भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं जो आज अनाउंसमेंट होगा. ओ माई देवता बहुत कुछ. देखिए सर, ऐसा है जैसे सर ने जवाब दिया कि दादा साहब या अंबेडकर जयंती या कुछ ऐसे महानुभाव हैं, महात्मा गांधी हैं, जिनके लिए कोई रोक टोक नहीं कि आप उनके लिए काम नहीं कर सकते. ये अप टू है कि जिन लोगों का अवार्ड आगे बढ़ेगा, जो लोग अच्छा काम करेंगे, जिनके पास नामचीन लोग आएंगे, जो अवार्ड के लिए मेहनत करेंगे, हमारी साधना है, वही सराहे जाएंगे और वही लंबे समय तक टिकेंगे. तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस अवार्ड को लंबे समय तक लेके जाएं. हमने लास्ट ईयर जो अवार्ड किया उसमें ऐश्वर्या राय जी थी, पंकज कपूर जी थे, हेमा मालिनी जी थी, जीतन धवन जी थे, काफ़ी लोग थे. और उससे पीछे जो हमने अवार्ड किया उसमें ऐश्वर्या राय जी थी लास्ट ईयर वाले अवार्ड में, रतन टाटा जी थे, फिर संजय खान साहब थे, बहुत लोग रहे हैं हमारे अवार्ड में पीछे. जिसको मैंने डायरेक्ट किया उस अवार्ड में भी मिस्टर शाहरुख खान साहब थे. तो आई एम बीन डायरेक्टिंग दिस अवार्ड सिंस लॉन्ग, या सो मैनी ईयर्स. और ये अवार्ड हमने और मैंने पूनम ने शुरू किया जो एक्सीलेंस अवार्ड है, वी आर व्हाट एवर वी आर प्रॉमिसिंग वी डिलीवर फॉर द स्टार्ट, वी डिलीवर टू द प्रेस मीटिंग. वी प्रॉमिस एंड वी डिलीवर, दैट्स द ओनली वन थिंग वी कैन से. यू हैव यू गाइस हैव गॉट इट टुडे कि जो जो स्टार्स आ रहे हैं, आई थिंक दैट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टार विल बी अराइविंग ऑन बोर्ड. देखिए अभी हमारा ये जो यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमने स्टार्स आएंगे. रतन टाटा के टाइम पे हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि एक रिक्वेस्ट होती है उनसे कि प्लीज़ आइए. अब हम लिख के तो नहीं ले सकते, बॉन्डिंग नहीं, कोई पैसे पे नहीं करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो हमने आपको लिस्ट में दिए हैं, ऑफकोर्स 95% 96% विल बी हियर. यू विल विटनेस दैट. यस, द मीडिया विल बी विटनेसिंग. यू विल विटनेस दैट एंड देन यू विल रियलाइज कि कौन सा दादा साहब फाल्के इतनी मेहनत करके कहाँ तक पहुँच सकता है. And thank you can see all. Our reward. Thank you so much. Please have some water and take care of yours because thank you, sir. It's too thank hot around. Thank you.
check, mic check, 1, 2, 3, check, 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 hello, 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 check, check, check. All the best. Audio check, 1, 2, 3, check. Hello, 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 mic check, 1, 2, 3, check, check, check. Mic check, 1, 2, 3, check, 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 check. Hello, 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 hello. Thank you. Sir, you want to give some bites to media, please give mic to media. Anything you want to speak to media, sir, please come. Thank you for inviting me here. It's like, it's an honor for us, being a Bangladeshi here, to be here. And I'm really honored to the whole organization, and it's a very prestigious award for me. And thank you so much for inviting me. And thank you very much. Take care. Thank you very much. माहौल बहुत अच्छा है वहाँ पर, स्टेज और बैकग्राउंड और ऑडियंस एकदम तैयार हैं, एक्साइटमेंट में बढ़ा हुआ है और मुझे लगता है कि यादगार कार्यक्रम होने वाला है। जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सभी कलाकारों के लिए मतलब नंबर वन का अवार्ड माना जा सकता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना हर कलाकार के लिए गर्व की बात है, और ऐसे अवार्ड फंक्शन का हिस्सा होना या शामिल होना भी, ऐसे अवार्ड फंक्शन को देखना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ ये है कि वो अवार्ड मिलने के बराबर ही है। जी, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। आज एक एंट्री करूंगा मैं यहाँ पर और कोशिश करूँगा कि जितना अपना बेस्ट कर सके करूँगा मैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, हाँ, कपिल शर्मा रिटर्न होंगे और बहुत अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि कपिल शर्मा जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे नंबर वन कॉमेडियन है, उसको भी कोई छू नहीं सकता। उनके साथ मैं पर्दे पे भले ना देखूं, लेकिन वैसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। भाई देखिए, जब आदमी का थोड़ा सा एक गलत कदम हो जाता है तो लोग मौका ढूंढते रहते हैं। वैसे कपिल बहुत सुलझा हुआ इंसान है, इतने बड़े मुकाम पर जाने के बाद भी आज भी अपने दोस्तों को, सीनियर्स को बहुत इज्जत करता है। अपने शो में उसने ऐसे दोस्तों को काम दिया जिनको बाहर कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, और ऐसे ऐसे राइटरों को काम दिया जिन्हें लिखना तक नहीं आता था, ऐसे ऐसे डायरेक्टरों को काम दिया है जो किसी के असिस्टेंट बनने के लायक भी नहीं थे। तो वो आदमी राजा आदमी है, किंग आदमी है, और थोड़ा सा समय ख़राब चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर एक बार वापस आएगा। जनता उसे बहुत प्यार करती है, और उसके जलने वालों से और उसके दुश्मनों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, बात हुई मेरी, वो इस वक्त थोड़े से विश्राम के मूड में हैं, आराम करना चाहते हैं, तो मैंने भी उनको यही राय दी कि आप आराम कीजिए, हमारी दुआएं उनके साथ में, प्रार्थनाएं साथ में हैं, और जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट कपिल शर्मा, हम सब आपके साथ में हैं। ओके, नो, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, शी इज अ फ्रेंड, बट शी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट फ्रेंड ऑफ दादा साहब फाल्के एंड ऑफ कोर्स एक्ट्रेस, सो यस, टेक हर बाय। नो, यस्टरडे आई, I'm so sorry. Yesterday I got an award for the Marathi Best Actress. And what are the expectations from tonight? I don't have any expectations. It's a huge platform actually, and that platform is like a very huge for the all strugglers, all people. So I think that's a huge platform. It's good initiative, na, ki acha prayas hai ki ye awards organize kiye jaye. Absolutely. Kyunki hamesha har ek artist ko, ek actress ko, ek actor ko, ek हम कह सकते हैं उसको एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो अवार्ड्स उसी के लिए होते हैं जो उनको मोटिवेट करे आगे जाने के लिए। थैंक यू सो मच।
कैसे हैं आप? कितने दिनों के बाद मिल रही हूँ मैं आपको। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि गुड क्रिएटिव वर्क और गुड टैलेंट हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल मतलब अवार्ड का बौछार हो रहा है। होप मैं हमेशा ऐसे ही काम करती रहूँ और ऑडियंसेस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे। हाँ, आएगा ज़रूर, बताऊंगी अभी जल्दी, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जल्दी बताऊंगी, अभी सरप्राइज बताऊंगी पक्के में बताऊंगी, बट हो रहा है कुछ। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप? मुझे नहीं लगता इट्स नॉट अबाउट फीमेल डायरेक्टर्स और मेल डायरेक्टर्स, मुझे लग रहा है कि ऑडियंसेस आर चेंजिंग, और जब ऑडियंस चेंज होता है तो उनको पता रहता है कि कौन सी विच सिनेमा दे नीड टू सी, उनको क्या देखना है, उनको क्या पसंद है। बाद में अभी पता चल रहा है कि वो डायरेक्टर मेल है कि फीमेल है। आई थिंक ऑनलाइन और इंटरनेट के द्वारा सबको सब पता है कि डायरेक्टर कौन है, म्यूजिशियन कौन है, DOP कौन है फिल्म का। तो ये जो हम जिस तौर से जा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर फिल्म मेकर्स टू टेल गुड स्टोरीज। बताऊंगी मैं पक्के में। अरे अभी तुम, मैं बोलूंगी मेरे फेवरेट एक्टर्स को, मेरे सभी फेवरेट एक्टर्स हैं। बताऊंगी मैं पक्के में बताऊंगी, आई विल से इट। मैं खुद ही बता दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमन आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी मैन रिस्पेक्ट्स अ वुमन, भले ही वो एक छोटी लड़की हो या एक बड़ी, लाइक शी इज़ अ वुमन और शी इज़ अ गर्ल, और वॉट एवर डिसीशन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, द कोर्ट हैज़ टेकन, आई थिंक इट्स टूवर्ड्स अ गुड स्टेप, बट हर साइड का एक ब्लैक एंड वाइट भी होता है, बट इट इज़ फॉर द बेटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छे चीज़ के लिए एक ड्रास्टिक स्टेप लिया जाता है तो उसमें एक डर आ जाता है वहाँ पर उसके लिए। मैंने एक ऑलरेडी एक फिल्म बनाई नील भट्टे सन्नाटा सोशल चेंज एजुकेशन पर, और मैं डेफिनेटली अगर चांस मिला तो डेफिनेटली सोशल चेंज पे बनाना चाहूँगी ऑलवेज। Thank you.
Hi. Hi. वेल वो कहावत है देर आए दुरुस्त आए. कहीं ना कहीं यू फील नाइस, यू फील हैप्पी व्हेन योर प्योर एफर्ट्स आर एक्नॉलेज्ड. सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. एंड जहाँ पर फादर ऑफ सिनेमा का नाम खुद जुड़ा हुआ हो किसी अवार्ड के साथ, तो देर इज़ नथिंग लाइक इट. आई हैव गॉट दिस अवार्ड बिफोर फॉर बेस्ट एक्टर इन रिश्ता. And this time for a reality show, it's a great feeling. अच्छा लगता है when your work is appreciated. Yes, yes. Where I'm heading, yes. आप ऐसा कह सकते हैं. And plus जैसे the kind of offers I'm getting, touchwood, I am very happy कि इट्स एक प्रोग्रेसिव करियर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ. नो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट एन एफर्ट. एवरी टाइम आई क्लिक अ पिक्चर आई पोस्ट इट. सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, एंड इट फील्स ग्रेट. देखिए मैं तो एक्साइटेड, मतलब ऑनेस्टली बिग बॉस अभी अभी ख़त्म हुआ है. जब व्हेन आई गॉट टू नो कि ऑडिशंस दोबारा से शुरू हो गए, आई वाज लाइक सो क्विक. बट आई गेस काफ़ी टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में, तो इसलिए शायद उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है. बट देखते हैं अभी जब नेक्स्ट ईयर इज़ गोना कम. नो, इट्स गोना कम दिस ईयर ओनली इन अक्टूबर. बट अभी अभी तो ख़त्म हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था कि इतनी जल्दी दोबारा शुरू हो गया. बट आई गेस काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती हैं. सो गुड, गुड फॉर देम. इस बार थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. लोग जोड़ीज़ में जा रहे हैं. अच्छा है, नया एक्सपीरियंस होगा. सोने पे सुहागा. Who am I to say anything about it? सलमान इज़ द बेस्ट होस्ट, बेस्ट होस्ट. देर कैन बी नो अदर होस्ट फॉर बिग बॉस, आई थिंक सो. सलमान जिसके साथ कंफर्टेबल है. हु एम आई टू से दिस यार बाबा. होस्टिंग इज़ नॉट, यू नो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. वहाँ पर आप एक ऐसे इंसान को अपने साथ देखना चाहेंगे जिसके साथ आप होस्टिंग करते वक्त कंफर्टेबल हों. तो आई थिंक इसका जवाब सलमान बेटर दे पाएंगे या फिर क्रिएटिव्स. वेल आई एम वेयरिंग सत्यपाल टुडे एंड ज़्यादा कुछ नहीं है. सिंस इट वॉज दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल. आई वॉन्टेड टू वेयर अ साड़ी. सो या दैट्स ऑल. माई स्टाइल स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट फॉर फैशन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी यू व्हेन इट कम्स टू फैशन. आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने में हर्ज नहीं है, बट इट शुड सूट यू. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फैशन आप ट्राई कीजिए, बट आप वही ट्राई कीजिए जो आपको सूट करे. एंड यू शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू वेयर. सो आई एवरी टाइम ट्राई एंड लुक डिफरेंट. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ. थैंक यू, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसा हुआ है. आई थिंक इट्स सैड. व्हाट एल्स कैन आई से. उनकी फैमिली जो फील कर सकती है वो हम में से कोई कोई फील नहीं कर सकता है. हमारा एक नया एक चीज़ शुरू हो गई है. हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडल मार्च कर लेते हैं या फिर एक ट्वीट कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं हम. बट जो फैमिलीज जिस तकलीफ़ से गुजरती हैं वो तो फैमिलीज ही गुजरती हैं. सो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को फील कर सकती हैं.
आई नो अलग 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 ईयर्स के लिए 16 साल के लिए अलग 22 के लिए अलग आई नो आई मैंने एक्चुअली हैव बीन आई हैड अ वेरी बिजी डे तो मैं सुन नहीं पाई लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है जैसे कि आपने भी बताया तो आई लाइक टू गो थ्रू इट एंड देन ओनली आई कैन कॉमेंट बट अगर ऐसा कुछ हुआ है और सीरियसली इस पर एक्शन लिया जा रहा है तो नथिंग लाइक इट बींग अ गर्ल वॉट एल्स डू आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू फील सेफ इन माई कंट्री थैंक यू Hi. Thank you. So you'll have to be a little louder. वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही. He's the father of Indian cinema. तो I think ऐसा felicitation मिलना एक बहुत बड़ी बात है. So I feel really, really good. It feels good. 12 साल काम किया है उसके बाद अगर आपके talent और hard work को appreciate किया जा रहा है, acknowledge किया जा रहा है, so I think it's something to be proud of. ये एक genre जो मैंने 4-5 साल पहले try किया था and I guess I've been successful at it. So and I have my team to thank for. Thank you. Nothing really. I'm wearing Lucknowi chicken sari. It's completely my personal thing. I like wearing my personal clothes. Kuch nahi, it's just something that I've put together. तो आप बोल दीजिए सारे मेकर्स को बिकॉज आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल आई एम फ्री आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट एंड आई एम कम्प्लीटली रेडी टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट सो देखिए जब मैं काम नहीं करती हूँ ना मैं ट्रैवल करती हूँ सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग आई एम ईदर रीडिंग और आई एम ट्रैवलिंग दैट्स व्हाट आई एम डूइंग आई हैव नो आइडिया यू विल हैव टू आस्क हिम दैट क्वेश्चन अच्छा था लेकिन लास्ट शो में आई वॉज इन देयर सो आई रियली डोंट नो बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड मैन आई जस्ट होप ही कम्स बैक विद अ बैंग विच शो आई वॉज अ पार्ट ऑफ कपिल शर्मा शो नो आई वॉजंट डूइंग द शो सो यस नथिंग एट ऑल I believe in keeping my personal life and my work life very, very different. बहुत दो अलग दुनिया होती है मेरी दोनों तो there is no, I don't socialize with my work people and vice versa. तो जब तक हम काम कर रहे थे it was very good and then after that the show shut down so then he is on his route, I'm on my path, so. And first let that happen and then I think we'll talk because I am actually very, very disgusted with the people who are sitting and doing nothing about it. And it's the same old thing. I mean, hum hamesha candle march karte hain, ye karte hain, wo karte hain, black, you know, no DP aur wo sab bahut kuch karte hain, but hota kuch nahi hai, unfortunately. So if they are saying death penalty, first let it happen. And I think action speaks louder than words. So let something happen and then we'll see where our country is headed. Thank you. Thank you.
Hi. Thank you so much. I feel extremely grateful कि इतना prestigious award जो कि खुद father of the Indian cinema के नाम पे instituted है वो मुझे मेरी performance in my short film Bulbul के लिए मिल रहा है and I feel extremely thankful for all the love I always receive from the audience for my work and I would like to dedicate this award to Kundan Shah ji. जब मैं शूट कुंदन शाह जी ने बुलबुल लिखी है और जब मैं शूटिंग कर रही थी अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एंड बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ उन्होंने बुलबुल का किरदार लिखा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 5 से 6 कैरेक्टर्स 25 मिनट्स में निभा सकूं सो कुंदन जी तो वेर एवर यू आर आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू एंड यू ऑलवेज बी वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे एक्टिंग ऑफर्स आ रहे हैं बुलबुल के बाद तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि क्या करूँ लाइक यू नो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन द इंडियन सिनेमा बहुत ही अच्छा टाइम है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड एंड आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सो आई फील थैंकफुल कि मैं एज इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और जो मुझे ऑफर्स एक्टिंग के आ रहे हैं मैं उन्हें कंसिडर कर रही हूँ एंड जैसे ही कुछ मुझे लगे कि दिस इज़ इट सो आई लॉक इट या अभी आई थिंक जब कुछ अनाउंस करूँगी तो वो आई थिंक इट वुड बी लाइक मोर कॉन्क्रीट टू टेल बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ रही है पढ़ने के लिए सो आई एम रीडिंग देम यू नो विमेन बहुत स्ट्रांग होती है कहते हैं कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जितनी पेन होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है जितनी आपकी 20 हड्डियाँ टूटने पे वो पेन हो उस पेन से भी कहीं ज़्यादा पेन होती है एंड दिस सो मच ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड अ वुमेन आई डोंट नो हम वुमेन को फिजिकली भी वीक क्यों कंसिडर करते हैं बिकॉज आप जब बच्चे को जन्म देते हैं तो इतनी ज़्यादा पेन आप लेते हैं तो अगर आप ताकतवर नहीं होंगे फिजिकली आप नहीं ले पाएंगे वो पेन सो आई थिंक वुमेन हर वुमेन बहुत टैलेंटेड होती है वो अपना घर संभालती है बच्चों को सही संस्कार देती है उन्हें बड़ा करती है सो In every way, we should encourage the women in our family, and I'm thankful to my family for encouraging me because I think family support नहीं हो तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, and बहुत important है कि हम देश की बेटियों को encourage करें. Yeah, yeah, got it.
जी 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 वेल इस नाम का जब अवार्ड दिया जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल के जब कुछ भी मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ का बिगनिंग से हिस्सा रहा हूँ और अरे आई थिंक गर्व की बात है एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज टू बी चोजन टू गिव दिस अवार्ड टू आई थिंक दादा साहब फाल्के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है एंड शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी सोचा कि मैं इस अवार्ड के लायक हूँ। यस आई हैव और ये पहली बार है दैट इट्स नॉट अ सरप्राइज सिंस इट वाज अनाउंस्ड पहले से, सो खुशी हमारी दो तीन दिनों से लगातार बढ़ती आ रही है एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्यों अब मैंने क्या कर दिया यार? आई थिंक यार जिनकी वजह से हम हैं उनसे इंटरेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लोग प्यार देते हैं इसलिए हम हैं एंड बिना फैंस के आई थिंक हम कुछ भी नहीं ना। मैं अपनी बातें नहीं रखता हूँ, मैं अपने अपने जो चॉइसेस हैं वो रखता हूँ एंड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तकलीफ़ देती हैं, बहुत गुस्सा आता है उनसे और गुस्सा आएगा तो जाहिर तो होगा कहीं ना कहीं। फिर जाएंगे एक दिन के लिए। आई थिंक भाई अकेले काफ़ी है, भाई अकेले पूरी इंडस्ट्री के बराबर हैं। ओह वैसे नहीं नहीं नहीं, जैसे पहले इन्होंने आई थिंक भाई और संजू बाबा ने 5555 किया था, सो आई थिंक इस बार आई थिंक शाहरुख खान एंड सलमान खान टुगेदर आई थिंक फीमेल का सोच रहे हो, फिर तो आप भाई से पूछ लो सर, भाई से पूछो क्या। आई थिंक भाई एंड कटरीना मेक अ गुड पेयर। पाँच साल हो गए एंड शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का जिन्होंने लगातार इतना प्यार दिया है एंड उम्मीद करता हूँ देते रहेंगे ताकि आगे और भी चलता रहे। या अभी नींद में कोई आदमी थोड़ी उठ के जिम चला जाएगा, सो समझ के जाइए इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू चेंज विद टाइम एंड वरना फिर मोनोटोनस बोरिंग हो जाता है यार। यस ऑफ कोर्स वीड लव टू डू समथिंग टुगेदर बट नॉट रन ऑफ द मिल टेलीविजन तो बिल्कुल नहीं, बट कुछ अलग सा करें तो वी बी इन फॉर दैट। अगर कोई स्क्रिप्ट ढंग की आए अच्छी आए तो फिर व्हाई नॉट, वी गिव इट अ थॉट। Thank you guys. Bye. Like, share, and subscribe to TV Next Bollywood.